हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक AKS ऑटोमेशन की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूली लॉन्च मॉडल है बिली 2500। ये आपको पर्सनल यूज के लिए मशीन है, कम बजट के हिसाब से आपको तैयार की गई है। पर्सनल यूज के लिए जिनको घरेलू प्रयोग होता है, छोटी दुकानों में काम होता है, उसके लिए मशीन यूज कर सकते हैं। साथ में आपको UVMG की फैसिलिटी के साथ मिल जाता है, बहुत ही कम मार्जिन में मिल जाती है मशीन। तो खरीदने के लिए आपको डिटेल मिल जाएगी हमारे AKS ऑटोमेशन में। आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिंपली एक बार काउंट करके देखा, एक बार और देख लेते हैं किस तरीके से आपको काउंट कर देगी। पीसीस में काउंट करने वाली मशीन है ये। बाकी अदर काइंड की मशीनें भी हमारे पास मिल जाती है, सेमी वैल्यू, मिक्स वैल्यू, मल्टी करेंसी वैल्यू, बंडल नोट काउंटिंग मशीन। अभी देखिए मैंने दो नोट और ऐड कर दिए हैं बड़े साइज के टेस्ट करने के लिए। तो ये आपको हर साइज के नोट इसमें आपके काउंट हो जाते हैं, ठीक है। 102 पीस आ गए, उनको हटा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नकली नोट का डिटेक्शन कैसे होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। तो देखिए मैंने खराब नोट ले लिया, इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही नोट आएगा खराब नोट, मशीन स्टॉप हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से एरर कोड देगा, मशीन रुक रुक के बीप देगी, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये स्टेकर में जो लास्ट नोट होगा हमेशा चेक करें, वो वाला आपका खराब होगा, ठीक है। ये नकली नोट है, इसको साइड कर लेते हैं। काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए हम स्टार्ट दबाएंगे। पहले बता दूं ये मशीन नकली नोट को भी गिनती में लेती है, 101 नोट लेगी, कुछ मशीनें नहीं लेती हैं। तो उन मशीनों की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं कौन सी मशीन है। आगे की काउंटिंग हम करते हैं, एक फेस भी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपका नकली नोट ऐसे दिखाए, निकालने के बाद एक बार री चेकिंग कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये रियल नोट कितना है। अभी देखिए नहीं रोकेगी, तो 100 पीस ही आएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्वेश्चन होता है कि हमारे नकली नोट हमें रोकना नहीं है, क्योंकि कई ये होता है सेंसर के ऊपर डिपेंड कि नकली नोट है असली नोट है। सेंसर आपका ये डिटेक्ट करते हैं जो हमारे सिल्वर लाइन हो गए, कागज़ की क्वालिटी, ठीक है। तो अगर हमारे नोट गले हैं, आप देखते हैं 10-20 के नोट कई बार बहुत पुराने आते हैं, तो वहाँ पर आप काउंट करने बैठेंगे तो मशीन बार बार उनको रोकेगी। तो आप कहेंगे सर बार बार मशीन रोक रही है, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, आपको एक फन मोड बटन से आपको UVM बंद कर देना है, फिर दोबारा UV पे आ जाएगा, तीसरी बार दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। अब कोई भी नकली नोट हो, असली नोट हो, खराब नोट हो, गला फला नोट हो, सबको एक पीसीस में काउंट कर देगी। देखिए मैंने खराब नोट को मिला दिया, टोटल एक पीसीस आएगा। इसमें आपको गले फले नोट काउंट करने के लिए सेंसर बंद कर देने हैं, तो आपको इजीली काउंट हो जाएगा, कोई नोट रोकेगी नहीं, ठीक है। अब बात होती है कि नकली नोट हमें रोकना होता है क्यों, 500 के बड़े नोट होते हैं उनमें ज़्यादातर आते हैं, छोटे नोटों में कमी चांस होता है। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं, आप एक एक नोट चेक कर लेंगे, जब आपको आइडिया ही हो जाएगा कि गले फले नोट है इस वजह से रोक रही मशीन, तो सेंसर तो अपना काम करेंगे ही। तो आप हमेशा ऑन करके रखिए जब बड़े नोट काउंट कर रहे हो। तो देखिए अब रोकेगी, ये देखिए रोक लिया। इसी तरीके से आपके सारे नकली नोट रोक लेंगे। अभी एक पीस दिखाएगी, दोबारा हम काउंट करते हैं तो 100 नोट ही बताएगा, ठीक है। लास्ट वाली काउंटिंग इधर आ रही है आपकी, 100 पे जो अभी नई काउंटिंग है इधर आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी दो फंक्शन इसमें मिलते हैं, ज़्यादा वो नहीं होता क्योंकि बेसिक मॉडल है, तो बैच और एड की फैसिलिटी मिल जाती है। बैच क्या होता है, जो 100 के बंडल बनाने हैं, ज़्यादातर हमारे 100 के बंडल बनते हैं, तो यहाँ हम 200 नोट डाल सकते हैं। काउंटिंग स्पीड वही 1000 नोट स्टैंडर्ड स्पीड रहती है सभी मशीनों की। अभी हमारे पास 100 ही नोट है, तो हम 100 का पैकेट कैसे चेक करेंगे, हम 50 का बना के चेक कर लेते हैं। दोबारा बैच प्रेस करेंगे 50 का आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 20 का आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 10 का आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे, इसमें ऐड मोड भी है, ऐड मोड अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। दोबारा प्रेस करते हैं तो ऐड पे आते हैं, 100 पे आते हैं। 100 पे आने के बाद हम 50 का बना लें चाहे 25 का बना लें, चलिए हम 25 का बना के देखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का भी यूज सीखना है। तो हमें इससे हमें 20 पे आ जाना, अगर हम 25 का बनाना चाह रहे हैं, 20 पे आ गए, प्लस से हम 25 सेट कर देंगे, ये प्लस माइनस का यूज है। कम का करना हो तो हम माइनस से कम कर सकते हैं, ठीक है। जब 24 नोट निकाल के देने हो तो 24 कर सकते हैं, अभी हमें पता है तो हमें 25 निकाल लें, 25 का सेट करेंगे। तो 25-25 करके आपके चार बैच बना देगी मशीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आपके बैच बन जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आखिरी ऑप्शन पे, बैच को इसी बटन को हम प्रेस करेंगे, लास्ट में ऐड पे आ जाएगा, ऐड की लाइट ऑन हो गई, मतलब ऐड मोड पे आ गया। ऐड में क्या होता है, जो हमारी लास्ट काउंटिंग होती है उसमें सम होता जाएगा, मतलब आपको बार बार नोटिंग करती नहीं है। जब आप लगातार काउंटिंग कर रहे हो, कई बंडल लेकर बैठे हैं, तो जितनी बार भी डालते जाएंगे सम होता जाएगा पिछली काउंटिंग में, ठीक। यहाँ देखिए सम हो रहा पिछली काउंटिंग में, अभी देखिए 200 हुए थे, अब मैं इसमें थोड़े से नोट और डालता हूँ, ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए कर रहे हैं, 238 पीस, अभी सारे डाल देंगे तो 300 हो जाएगा। आई होप पूरा वीडियो क्लियर समझ आ गया हो। मशीन खरीदने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन्हीं नंबरों पे कॉल या व्हाट्सअप करें, ठीक। और हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इसी पे जाइएगा।
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं के एस ऑटोमेशन से विनाश सिंह, जय हिंद।